Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Chani Sangat Ramani and as you guys can see in the title, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है समर ड्रेसेस की जो मैंने लिए हैं मिंत्रा से. और मुझे लगा कि अब समर आ रहा है तो सबको समर ड्रेसेस की जरूरत होगी, समर टॉप्स की जरूरत होगी. बट फिलहाल मैंने एक ही चीज चूज की है कि मैं ड्रेसेस पे ज्यादा फोकस करूंगी. सो मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है समर ड्रेसेस का जो है मिंत्रा से. सो इसमें मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ली हैं, मैंने बहुत सारे टाइप्स की इसमें फ्रॉक्स ली हैं. सो मुझे तो वेट नहीं हो रहा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो मैंने अभी पहनी हुई है. ये वाली जो फ्रॉक है वो मैंने अभी इसलिए ऐसे पहनी हुई है इनर के साथ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियो बनाते हुए कंफर्टेबल होनी चाहिए. मतलब ऐसे ही अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं है बट स्टिल मुझे ऐसा हुआ कि मैं इनर पहन लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा सही लगेगा. ये वाली जो पिंक वाली ड्रेस है ये है अर्बैनिक से. अब आपने देखा होगा कि मिंत्रा पे अर्बैनिक के बहुत सारे कपड़े मिलते हैं तो अर्बैनिक के ये वाली जो ड्रेस है पिंक फ्लोरल टाइप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका नेक पैटर्न और इसका नॉर्मल जो फुल फ्रॉक है वो बहुत अच्छा लगा. यहाँ साइड में स्लिट दिया हुआ है. ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छी लग गई बट इसमें भी एक प्रॉब्लम मुझे ये आया क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जो भी मुझे सच में लगता है तो इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा कम अच्छा लगा मुझे. मुझे लगता है कि इसका मटेरियल और थोड़ा अच्छा हो सकता था बट वैसे ये दिखने में और हर चीज़ में बहुत ही अच्छी है. इसका साइज़ मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी, इनके प्राइस भी दे दूँगी. सो मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है. मुझे लगता है ये अपने प्राइस के हिसाब से सही है, बस इसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए था. और बाकी जो इनके डिटेलिंग्स हैं यहाँ पे टाई करने वाला और नीचे से स्लिट वाला वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सारा डिटेलिंग इसमें. बट इसको अगर मुझे रेट करना हो तो मैं इसको रेट करूँगी 10 में से 7 रेट करूँगी. आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं. इसका फिट काफ़ी अच्छा था काफ़ी हद तक, क्योंकि मुझे दूसरे फ्रॉक्स में प्रॉब्लम आई फिट की, मैं आपको आगे बताऊँगी. चलते हैं हमारे सेकेंड ड्रेस की तरफ. अब मैंने फर्स्ट वाला अर्बैनिक से दिखाया तो मैं सेकेंड भी अर्बैनिक से ही दिखाऊँगी. ये वाला भी जो है ये भी अर्बैनिक से है, ये भी फ्लोरल टाइप है. अब मुझे ऐसे फ्लोरल टाइप ड्रेसेस बहुत पसंद है तो ये वाला भी सेम ऐसा ही है बट इसका मटेरियल इसके कंपेयर में काफ़ी बेटर है. और इसका जो स्लिट है वो थोड़ा ऊपर से है जिससे इसका जो है वो थोड़ा नॉर्मल है पिंक वाली का, बट जो सेकेंड है इसका थोड़ा ऊपर से है स्लिट. तो अगर आपको वो कंफर्टेबल रहता है तो ये काफ़ी अच्छी है. उस हिसाब से यहाँ पे टाई वाला डिटेलिंग दिया हुआ है कि आप इसको टाई कर सकते हैं. और ये जो इसका नेक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मुझे इन ड्रेसेस के नेक पैटर्न और ये टाई करने वाला पैटर्न बहुत ही अच्छे लगे. और जो स्लिट है मुझे ऐसे टाइप की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं. सो ये वाली जो ड्रेस है वो इसके कंपेयर में काफ़ी बेटर है बट इसका मुझे एक प्रॉब्लम ये आया कि मुझे ये साइज़ में थोड़ी बड़ी आई. सो मेरे को देखना पड़ेगा. इसका साइज़ मैंने ऑर्डर किया था एस बट एस स्टिल मुझे बड़ी है. इसको आप अगर फिटिंग करवाओगे तो ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है. अगर आप इसको अपने साइज़ में ले रहे हो तो बहुत अच्छा. अगर आपका साइज़ मेरे जैसा है 34 बस्ट और 28 हाई वेस्ट अगर आपका साइज़ है तो ये आप पे ढीला पड़ने वाला है. और अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल लेते हो तो बहुत अच्छा. पर इसमें भी अगर आप लोग मतलब आपको साइजेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो कौन से साइजेस चले जाते हैं या कोई कोई ड्रेसेस चली जाती हैं तब तक. सो मुझे ऐसा होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अब क्या करना है. तो इसके लिए मतलब अगर आपको ये थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आप स्टिच करवा सकते हैं या आप एक्सचेंज करके दूसरा साइज ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनका जो रिटर्न और वो सब है वो 1 मंथ का है. हमें मिंत्रा में 1 मंथ का टाइम मिलता है इनको रिटर्न करने के लिए. सो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आप जब कहीं बाहर जाते हो और आपका पार्सल आता है और आप थोड़े टाइम बाद आ रहे हो या कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ये कम से कम रिटर्न हो सकता है. ये चीज़ अच्छी है मिंत्रा पे. इसके बाद मैं दूसरे ब्रांड की तरफ चलूँगी जिसके भी मैंने 2 अलग अलग वन पीस लिए हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे. अब ये वाला जो है वो है H&M से. और H&M के मुझे कपड़े वैसे ज़्यादातर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे अर्बैनिक और जैसे ही शीन बंद हुआ था उसके बाद से मैं अर्बैनिक H&M ऐसी जगहों से बहुत लेने लगी क्योंकि शीन के बाद मुझे ऐसे कपड़े कहीं और नहीं मिलते थे.
सो अर्बेनिक के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते थे और H&M के भी, पर इस बार H&M ने मुझे थोड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं थोड़ा सोच में हूँ कि इस मतलब ये जो मैंने फ्रॉक ली है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ साइड में, तो ये बीच के लिए बनी हुई है ज़्यादातर मेरे हिसाब से। और ये जो ड्रेस है, ये इसका प्राइस था, इसका प्राइस इधर तो 3000 लिखा है, बट मेरे हिसाब से मुझे ये 1500 या मुझे नहीं याद आ रहा अभी, इस पे 3000 लिखा हुआ है पर मुझे 1500 के आसपास पड़ी थी ये मेरे हिसाब से। सो मुझे इसको जब मेरे को ये मिली तो मुझे उसके बाद लग रहा था कि ये वर्थ नहीं है, इसका मटेरियल काफ़ी ही पतला है, मतलब इतना पतला मटेरियल, और प्लस इसका जो फिटिंग है वो भी बहुत अजीब सा खड़ा रहा था मेरे पे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको रखने का बिल्कुल भी मन है। इसका फिटिंग और इसके मटेरियल को देख के ही मैं ऐसा बोल रही हूँ, बाकी मुझे लगता है किसी किसी पे बहुत ही अच्छा लग सकता है, जो मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली फील होता है कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका साइज अलग होता है, सबको अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं, कुछ मुझ पे अच्छी लगेंगी कुछ नहीं लगेंगी। तो आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं, अगर आपको बीच के लिए कोई ड्रेस चाहिए तो मुझे लगता है कि ये आप पे अच्छी लग सकती है, अगर आपका साइजिंग में इशू नहीं आता है तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है। इसका जो बैक है मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, किसी भी फोटो में से या H&M के खुद के फोटोज में से लेके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, इसका बैक बहुत अच्छा है। सो अगर आपको जाना है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इस हॉल की फोर्थ ड्रेस और H&M से सेकेंड ड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाली जो ड्रेस है ये भी है H&M से मिंत्रा, और इसका जो प्राइस था वो था 1500, जो मुझे एक्चुअल प्राइस पे मिली है 1500 रुपीज़ में। मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ गई है। इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, और इसका जो पैटर्न है ये मुझे बहुत अच्छा लग गया है, जब से ये ट्रेंड में आया है ना ऐसे टाइप की शर्ट्स और वो सब, मुझे बहुत अच्छा लग गया है। बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये चीज़ में आके हुआ कि इसका मैं 1500 दे रही हूँ, बट इट्स ओके, मतलब जो ट्रेंड में न्यू आता है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और इस पर कुछ डिस्काउंट नहीं था। इसका जो पूरा आगे का पैटर्न है वो मुझे इतना अच्छा लग गया कि मेरे को ये रखने का इतना मन हो गया है कि बस नहीं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अब ये वाली जो ड्रेस है ये मैं उल्टा वगैरह करी थी। अब ये वाली जो ड्रेस है, ये वाली ड्रेस बहुत मैच कर रही है अर्बेनिक की दोनों ड्रेसेस को, क्योंकि इसका आगे का नेक सेम है और इसका जो नीचे स्लिट है वो भी सेम है, बट इसकी जो ये स्लीव्स दी हुई है ये बहुत डिफरेंट है इन दोनों से जो मैंने अर्बेनिक से ली। और इसका जो प्राइस था वो भी काफ़ी सही प्राइस था, मुझे ये सबसे कम प्राइस में पड़ी है, मतलब इस हॉल का सबसे जो कम प्राइस है वो इस ही चीज़ का है। और इसका जो ब्रांड है वो है प्लस एस कलेक्शन, इस पे तो 1600 लिखा हुआ है बट मैं आपको इसका सही प्राइस दे दूंगी, और इसमें मैंने साइज एस लिया है, जो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छे से आ रहा था। इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इजीली ऑल्टर करवा सकते हो, मुझे इसका कलर समझ नहीं आ रहा, वो वहाँ पे कैमरा में अलग लग रहा है, यहाँ पे अलग लग रहा है, ऑरेंजिश टाइप कलर है और इस पे पोल्का डॉट्स बने हुए हैं वाइट कलर के, और इसका जो मटेरियल है वो भी अच्छा है। इन सब ड्रेसेस का मटेरियल काफ़ी अच्छा आया है, मतलब ज़्यादातर जो समर टाइप ड्रेसेस हैं जो ऐसे फ्लोरल और ये वाली, इनका क्लोथ पतला है बट उसके लिए क्योंकि समर ड्रेसेस ऐसी होती हैं, बाकी जो बॉडीकॉन ड्रेस है उनमें थोड़ा थिक मटेरियल ऑफकोर्स उसमें चाहिए ही होता है। सो इन सबका मटेरियल तो सही आया है, इसको थोड़ा छोड़ के बाकी सबका मटेरियल उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं हमारी लास्ट ड्रेस की तरफ। अब ये वाली जो ड्रेस है, पहली बात इसका आई डोंट नो कौन सा वो है, U&F करके इसकी कोई ब्रांड है, और ये है साइज एस में ड्रेस। अब ये वाली जो ड्रेस है ये मेरी बॉडी पे जैसे खड़ी रह रही थी,
बहुत ही बढ़िया लग रही थी। मतलब अगर आपको बॉडीकॉन ड्रेसेस चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी पक्का जाने के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हक करके खड़ी रहती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि फिगर के रिलेटेड, जैसे मेरा है, तो मैं अंदर से बॉडी शेपर पहनती हूँ और उससे बॉडी शेपर से ये बहुत अच्छा लग रहा था साथ में, कि पूरा बॉडी का शेप बहुत ही अच्छा खड़ा रह रहा था। तो मुझे लगता है कि ये वाली को तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आपको ऐसे टाइप की ड्रेसेस पसंद है, क्योंकि जो कलर है वो मैं नॉर्मली ड्रेसेस में बहुत लेती हूँ, ब्लैक मतलब बहुत ही ज़्यादा लेती हूँ। और इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही सही है, मतलब मुझे लगता है कि इसका जो मटेरियल है वैसा ही वो ब्लैक दूसरी H&M वाली का होता तो मैं और खुश हो जाती। इसका बहुत ही अच्छा थिक मटेरियल है दिया हुआ, और इसके जो इधर से पैटर्न दिया हुआ है ये नीचे तक जा रहा है, नीचे तक इसका पैटर्न जा रहा है। ये आपको ऐसे देख के पता नहीं चलेगा, बट आपको मैं जैसे यहाँ पे वीडियो दूंगी ना, ये आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप ऑफकोर्स इसको भी ले सकते हो। इसमें मैंने साइज लिया है S। S मुझे बिल्कुल सही आ रहा था, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे मेरे को एक दो में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ साइजिंग का, बट इसमें मुझे साइज का कोई इशू नहीं आया। इसमें और वो H&M वाली ब्लैक वाली में मुझे कोई इशू नहीं आया साइजिंग का, क्योंकि ये दोनों बॉडीकॉन थी और एग्जैक्ट मेरे को बॉडी हक करके खड़ी थी ये दोनों। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको पता चले मेरी न्यू वीडियो कब आ रही है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी आयना और ड्रेस अच्छी लगी, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये भी मुझे बताना, मुझे और वीडियो सजेस्ट करते रहना जिससे मैं नई वीडियो जल्दी लाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।